आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आज आपको चॉकलेट गार्निश केक न्यू डिजाइन में डेकोरेशन या केक बना करके दिखाने वाला हूं। तो आइए दोस्तों बिना टाइम गवाए वीडियो स्टार्ट करता हूं, देखते हैं कि केक कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों देखिए इस तरह से मैं स्पंज काटता हूं, आप लोग भी इसी तरह से स्पंज काटिएगा और आगे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता रहूंगा कि कैसे कैसे काटना है बनाना है। मैं वीडियो थोड़ा फास्ट कर रखा हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए और जल्दी से आप लोग देख पाएं एक एक चीज। अगर दोस्तों आपका कोई भी फ्रेंड या रिलेटिव बेकरी में जॉब करता है या किसी का अपना शॉप है तो आप प्लीज़ ये वीडियो उन्हें भी शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, शेयर करने से कुछ नहीं होता दोस्त। तो देखिए मैंने तीन चॉकलेट का बना लिया है स्पंज, तो तीन चॉकलेट का अच्छे से काट लिया हूँ और अब मैं पाइनएप्पल और इसमें दो पाइनएप्पल बनाऊँगा और एक स्ट्रॉबेरी का बनाऊँगा। तो ये भी मैं वनीला वाला भी अच्छे से काट लेता हूँ वनीला का। तो ये जैसे देख रहे हैं कि वनीला का नीचे ऊपर सब तरफ से काटना पड़ता है, इसी तरह से चॉकलेट में भी काटते हैं ताकि अच्छे से उसमें जो भी साइड का बेक रहता है वो सब अच्छे से हट जाए और स्पंज जो है हमारा वो अच्छे से पूरा सॉफ्ट वाला अंदर में रहे केक में, ताकि कोई थिकनेस या सॉफ्टनेस में कोई कमी ना रहे। तो देखिए दोस्तों इसी तरह से आपको भी काटना है, मैं वीडियो थोड़ा फास्ट कर रखा हूँ ताकि तीनों अच्छे से काट लूँ और आप एक एक चीज़ देखो समझ सको किस तरह से काटना है नहीं काटना। वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए। तो अब हमारा स्पंज कट चुका है, अब हम जा रहे हैं लगाने के लिए लेयर। तो अब हम इसका चॉकलेट का तीन ले लिया है और वनीला का तीन, अब हम लेयर लगाएंगे। तो ये मैंने शुगर सिरप मारा इसमें, जैसे वाटर और चीनी का जो रहता है वो बॉईल करके, सिनेमन या फिर इलायची भी डाल सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। तो अब हम लोग इसमें क्रीम डाल रहे हैं, देखिए मैं इसमें अच्छे से क्रीम डाल के फिर मिक्स करूँगा, फिर पूरा फ्लेवर डालूँगा। तो ये जैसे तीन है ये मेरा तीनों चॉकलेट केक रहेगा। तो चॉकलेट केक में मैं थोड़ा सा ट्रफल ऐड करूँगा क्रीम में लेयरिंग में। तो देख रहे हैं अभी जैसे कि मैं आप इसमें ट्रफल ले लिया हूँ थोड़ा गर्म करके, थोड़ा सा मेरा ट्रफल गर्म नहीं था, थोड़ा सा टाइट था। आप लोग थोड़ा सा टाइट करके या मिक्स करके भी लगा सकते हैं, जैसा आपका इजी लगे आपको उसी तरह से आप ले लीजिएगा। तो मैं दो पाइनएप्पल डाल दिया हूँ और एक स्ट्रॉबेरी डाल दिया हूँ। अब मैं इसको अच्छे से मिला लूँगा क्रीम में, ज़्यादा भी ना मिलाऊँ ताकि ऊपर में पूरा मिक्स होकर समझ में ना आए कस्टमर को इसमें नहीं है, बल्कि ऊपर में भी थोड़ा रहना चाहिए, लेयर दिखना चाहिए क्रीम बाय क्रीम। देखिए पूरा ये कंप्लीट हो गया और इसी तरह से हमें भी बंद कर देना, आप अपने स्पंज को भी केक का बंद कर लीजिएगा। हो सकता है ऊपर नीचे वीडियो में थोड़ा कुछ कमी हो दोस्तों, उसके लिए सॉरी, क्योंकि वीडियो में उतना समझ में नहीं आता है, कुछ चीज़ें ऐसा होता है एडिटिंग की वजह से मिस्टेक हो जाता है और कुछ ऐसा होता है कि वीडियो के कैप्चर में नहीं हो पाता है। तो ऊपर से भी मैंने सुबह सिर्फ मार दिया, अब इसको अच्छे से लाइन में लगा देता हूँ। अब हम लोग इसकी आइसिंग करेंगे, देखिए दोस्तों साइड से लेने जब आइसिंग करेंगे तो अच्छे से बराबर देख लीजिए ताकि वो आपका जब फिनिशिंग दे रहे हो ना तब उसमें निकल के ना आए, टूट के ना आए स्पंज। इस तरह से आपको भी फिनिशिंग देना है, पूरा कवर करना अच्छे से। देखो मैं कैसे बना रहा हूँ, ऐसे इसी तरह से आप भी बनाइएगा। और आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप लोग ज़रूर बेकरी में बना रहे होंगे, क्योंकि ये जो ज़्यादातर हैं जो कोई केक बनाते हैं वही ज़्यादातर देखते हैं केक का वीडियो, या किसी का अपना बेकरी शॉप होता है तो वो लोग ही ज़्यादातर देखते हैं। दोस्तों देखिए कितना शानदार से इसमें ग्लेज चढ़ाए हैं, ट्रफल हमने फिनिशिंग दिया है इसको, अब उठा करके बेस में रख लेंगे। अब ये एक तो हो गया, अब दूसरा आइसिंग कर रहे हैं।
बहुत ही शानदार आइसिंग हो रहा है केक का, और बहुत ज़बरदस्त इसका फिनिशिंग भी आ रहा है। लाजिम है कि वो अच्छे से आएगा। कितना शानदार आया है दोस्तों, देख सकते हैं। अब ये हमारा तीसरा चॉकलेट केक है, दो तो आइसिंग हो गया। केक को अच्छे से फिनिशिंग देने के लिए साइड में अच्छे से बराबर से लगाइए क्रीम, ताकि आपका जो है फिनिशिंग देने टाइम में कोई भी गड़बड़ ना हो, क्रीम खसके ना, इसलिए साइड से थोड़ा दबा करके अच्छे से तब लिया कीजिए क्रीम दोस्तों। देखिए भाई किस तरह से इसका ग्लेज चढ़ा रहे हैं, आप भी इसी तरह से चढ़ाइएगा दोस्तों। मैं इसमें और भी बहुत सारा डिज़ाइन कर सकते हैं, आप लोग भी अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो है मोटिव है कि जिस तरह से अभी फर्स्ट में आपने वीडियो देखा हो उसी तरह मेरा मोटिव है बनाने का, तो इसके वजह से मैंने उसमें और डेकोरेशन नहीं किया, क्योंकि वो ओवर हो जाता है। इसकी वजह से हमने सिंपल ही केक सबको रखा है, क्योंकि उसके ऊपर फ्लावर डेकोरेशन करेंगे इसके वजह से। तो दोस्तों गार्निश तो सब हमने बना लिया है, और गार्निश का जो है वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्ट गार्निश है, और ये सब गार्निश का जो वीडियो है वो मैं बाद में अपलोड करूँगा, अभी नहीं अपलोड किया हूँ। किसी दिन टाइम मिलेगा तो मैं बनाऊँगा उसका भी। अगर आप लोगों का कमेंट आएगा, आप लोगों के कमेंट्स के अकॉर्डिंग्स मैं और भी जो आप बोलोगे कमेंट में उसका मैं वीडियो ज़्यादातर बनाऊँगा दोस्तों। अगर आपका कुछ भी सुझाव हो मेरे लिए तो आप वो भी बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, या ये समझ में नहीं आ रहा है, या मुझे कुछ भी सुझाव देना चाहते थे कि मैं किस फ्लेवर के ऊपर या किस चीज़ के ऊपर मैं ज़्यादा वीडियो बनाऊँ, क्योंकि अभी फोंडेंट केक का वीडियो पॉसिबल नहीं है दोस्तों, फ्रेश क्रीम में या फैंसी केक या फिर गार्निश केक हो गया, इसी थीम में मैं ज़्यादातर केक का वीडियो अभी बनाऊँगा फिलहाल। आगे अगर कभी टाइम मिलेगा तो फिर और चीज़ों का भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों देखिए मैं ये रेड कलर का जो है कितना शानदार है दिख रहा है। तो दोस्तों अभी मैं एक तो स्ट्रॉबेरी बनाया हूँ, अभी फिर पाइनएप्पल बनाने जा रहा हूँ, देखते कि वो कैसा दिखेगा। दोस्तों वीडियो इसलिए फास्ट करते हैं क्योंकि टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ओवर टाइम हो जाएगा, इसकी वजह से थोड़ा फास्ट करना पड़ रहा है। आप लोग प्लीज़ बुरा मत मानिएगा कि यहाँ समझ में भी नहीं आ रहा, बता भी नहीं रहे, इसलिए मैं ओवर वॉइस ओवर कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। देखिए इसी तरह से आइसिंग होता है। अब इसके ऊपर हम पाइनएप्पल ग्लेज जो बना के रखे थे वो वाला डालेंगे, मिनरल ग्लेज। देखिए दोस्तों अब इसको जो है मैं थोड़ा डोम में बनाऊंगा इसका साइड, और देखिए कितना शानदार बन रहा है। एक काजल हमें करते हैं, देखो दोस्तों कितना जबरदस्त बन रहा है। देखिए दोस्तों कितना शानदार, बहुत बढ़िया केक का डिजाइन है। इसके ऊपर चॉकलेट ट्रफल वाला ही मैं मारा हूँ गरम वाला करके। कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। अब दोस्तों मैं उसका साइड का गार्निश बना लूंगा, तो थोड़ा अच्छे से घिस करके मैं अब कटिंग करूंगा। देखिए इसी तरह से मैं कटिंग कर रहा हूँ दोस्तों।
अब मैं अच्छे से इसको थोड़ा साइड साइड से कट कर लेता हूँ गार्निश को। और दोस्तों ध्यान रहे कि ये ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, थोड़ा सॉफ्ट ही रहना चाहिए ताकि अच्छे से बेंड हो जाए, और बेंड होने के बाद ये जल्दी खुल भी जाए। अगर ज़्यादा टाइट हो जाएगा तो ये बेंड होकर के टूट जाएगा। ओके दोस्तों, आप इसमें भी बहुत सारा डिज़ाइन बना सकते हैं आप अपने हिसाब से, आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको समझ में। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है मैं ये राउंड वाला बनाया हूँ। अब इसको यहाँ से थोड़ा सा तोड़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब ये चॉकलेट वाला में मैं छोटा वाला में मस्त करके साइड से लगा रहा हूँ, जहाँ से बड़ा हो गया वहाँ से तोड़ देंगे थोड़ा सा। वैसे नाइफ से कट भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा फिनिशिंग आएगा। लेकिन क्या होता है कि जब वीडियो चल रहा होता तब थोड़ा टाइम नहीं मिलता है, चीज़ों को ढूंढने में टाइम लगता है। ये चॉकलेट का है, इसको अच्छे से घिस लेंगे ताकि ये टूटे ना। ये टूटता नहीं है ये वाला ना। अभी इसको साइड साइड से कट कर लें। दोस्तों ध्यान रहे कि ये भी चॉकलेट वाला भी और वाइट वाला भी ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, ज़्यादा सेट नहीं होना चाहिए। जब सॉफ्ट रहें तभी आप कटिंग या डिज़ाइन कर सकते हैं, अगर ज़्यादा हार्ड हो जाएगा तो फिर ये टूटने का चांसेस रहेगा। इसके लिए मैं अभी जब तक सॉफ्ट है, जिस तरह से हम लोग गार्निश बनाते हैं उसी तरह से हमने कट कर लिया। अब इसको भी केक के ऊपर साइड से लगाएंगे। तो देखिए इसी तरह से आप भी लगाइएगा, थोड़ा टाइट करके खींच के बनाओ। उसे एक फूल लगा देना, एक गुड्डा लगा देना, ठीक है? ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें साइड से हम गार्निश लगा रहे हैं। ये पाइन एप्पल केक है। अब दोस्तों ये जो मैंने साइड में घींच करके लगाया था, अब इसके पन्नी को हटा लेते हैं, निकाल लेते हैं केक में से, और इसका जो साइड का कटिंग था वो थोड़ा थोड़ा करके निकाल लेते हैं। चाहे तो हम पहले भी निकाल सकते थे लेकिन हम बाद में निकाल दें ताकि ये गार्निश डैमेज ना हो। डैमेज होने का डर था, इसकी वजह से मैंने पहले नहीं निकाला। गंदा हुए। अब देखो दोस्तों, हे भगवान कितना अच्छा लग रहा है मामा, अच्छा लग रहा हो। अब इस तरह से मैं इसके ऊपर फ्लावर रख रहा हूँ दोस्तों। अभी देखिए इसका डेकोरेशन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने ये सब पहले ही सेट करके रख लिया था, पहले से बना करके। तुमने रखा। अब देखिए दोस्तों ये जो है ना, मैंने आपको वहाँ से दिख नहीं रहा होगा वो चॉकलेट जो मैं उसके ऊपर ठीक है, हमें खाते नहीं से बर्थडे वाला है, ठीक है? नीचे क्रीम डाला हूँ उसके ऊपर से ऐसे बनाया, मेरे खाते नहीं सभी ले। अब एक हमारे वक्त हमारी दीदी का। तो देखिए दोस्तों क्रीम रख के मैं इसके ऊपर से चॉकलेट रख रहा हूँ डेकोरेशन करने के लिए, ताकि वो ऐसा दिखे स्टेज में खड़ा रहे। और ये गार्निश मैंने इसके ऊपर लगा दिया। दोस्तों देखिए कितना ज़बरदस्त दिख रहा है। ये जो फ्लावर है इसके साइड साइड में मैं थोड़ा सा चॉकलेट का स्टिक डाल रहा हूँ, ताकि वो फ्लावर के जैसे लगे कि साइड में कुछ काटा है। इस टाइप का मेरा डेकोरेशन के लिए पहले से मैंने बना के रख लिया था। अच्छा तो लग रहा। देखिए दोस्तों कितना शानदार दिख रहा है डेकोरेशन करने के बाद। गला भी बैठ गया।
सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा। इस तरह का केक देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में पूछिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा दोस्तों। और अगर किसी वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरा फेसबुक पेज MDS फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए दोस्तों, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपको नए नए अपडेट मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।